बिहार में सुशासन का राज है, लेकिन हकीकत में क्या है यह किसी से छुपा नहीं है। इसी क्रम में न्यूज़ फॉर इंडिया की टीम ने विगत दिनों एक बेहद चौंकाने वाले तथ्यों से आपको अवगत कराया था। अब तक आपने देखा कि बिहार वन सेवा के एक अधिकारी अवधेश ओझा, जो प्रमोशन पा करके अभी DFO नवादा वन प्रमंडल के पद पर कार्यरत है। DFO के ऊपर पूर्व से एवं वर्तमान में कई तरह के बेहद संगीन आरोप हैं, जिसकी पूर्ण जानकारी महकमे व विभाग के मंत्री को मालूम है। न केवल मालूम है बल्कि कई स्तरों पर चुप हैं डिप्टी CM सुशील कुमार मोदी, जिस भ्रष्टाचार की बात कर खुद को पाक साफ बताते रहे हैं, कहीं न कहीं अब उन पर भी प्रश्न चिन्ह लगना शुरू हो गया है। वहीं आपको बता दें कि RTI मारने के बाद युवक पर लगातार कई मामले भी दर्ज किए गए, स्थानीय DFO के द्वारा प्रताड़ित भी किया जा रहा है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता शशि यादव ने। बने रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया के साथ, क्योंकि जल्द ही इससे जुड़े कई बड़े राज का खुलासा करेंगे। जल्द ही आपको दिखाएंगे कि फॉरेस्ट विभाग के प्रधान सचिव का घोटाले में संलिप्तता। लगातार न्यूज़ फॉर इंडिया को बिहार के तमाम जिलों से घोटाले की हर एक तस्वीर से रूबरू कराया। इसी बीच एक मामला आया था जहां पर तेजस्वी यादव को मिट्टी घोटाले को आरोपी बताकर उन्हें भी उन पर ही प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मगर एक ऐसी खबर न्यूज़ फॉर इंडिया सामने ला रहा है जिसको देखकर आप खुद सोचेंगे, जो नीतीश कुमार का गृह जिला है, उसके बाद भी जहाँ होता है लगातार, अगर बात कर ले साफ तौर पर तो घोटाले की बात हर जगह सामने आती है, मगर एक ऐसा भी घोटाला दिखाएंगे जो फॉरेस्ट विभाग के द्वारा किया गया है। वो इंसान हमारे साथ मौजूद है जो आवाज़ उठाता है और उस पर ताबातोर वन विभाग केस पर केस करता है। क्या हुआ था पूरा मामला उनको बताइए। सर, कौल में हमको पता चला कि वहाँ घोटाला हो रहा है, तो हम RTI के तहत सूचना मांगी। सूचना का जवाब DFO के द्वारा नहीं दिया गया। उसके बाद हम 2 करोड़ रुपये का फंड आया तो हम 1.5 करोड़ का घोटाला हुआ, जिसमें धरातल पर एक भी काम नहीं, सारा काम जो है कागजी पर दिखा कर घोटाला कर लिया गया। तो उसमें सुमान्य मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी हमसे बात भी किए कि आश्वासन भी दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। और सर, ये DFO जो है बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, इनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है तो उन्हीं को दबाने के लिए धमकी वगैरह देते हैं, और मेरे ऊपर भी 7-8 केस कर दिया गया है दबाव बनाने के लिए। और DFO के ऊपर जो है सर, विशेष निगरानी इकाई में आय से अधिक संपत्ति के मामले में केस भी चल रहा है, जो हाईकोर्ट में केस अभी है, लेकिन इनका रसूखदार पैरवी रहने के कारण जो है इन पर अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। घोटाला किस तरह का हुआ था? जिस क्षेत्र में घोटाला हुआ था, वन विभाग में घोटाला था, 2 करोड़ का फंड सामने आया, हमारी जनता को खुलकर बताइए कैसे कैसे वहाँ पर घोटाला होना शुरुआत हुई है, घोटाले की किस तरीके से हुई है, क्योंकि वर्तमान पदस्थापन भी वहाँ पर उनका किया गया जब वो उनका कार्यभार खत्म हो चुका था। सर देखिए, 2 करोड़ का जो फंड आया वो पौधरोपण के लिए आया। हर एक जंगल में जो है 60,000 वर्ग फीट में के 2 बीघा में जितना जमीन वन विभाग का है टोटल पौधरोपण के लिए आया। तो कौवा कोल एक अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, इसीलिए जो है कौवा कोल में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कोई जाते नहीं, इसी का फायदा उठाकर एक भी पौधा का निर्माण नहीं किया गया है। टोटल का टोटल पैसा कागज़ पर दिखाकर निकाल लिया गया। और रेंजर बानेश्वर पाठक जो है, ये इनका रिटायरमेंट 30/11/2019 को ही हो गया था, लेकिन इनका फिर संविदा पर बहाल कौवापुर में हो गया है, क्योंकि इन्होंने 1.5 करोड़ का घोटाला किया और 3.5 करोड़ का जल जीवन हरियाली के तहत पैसा आया हुआ था, ये इनको देखा हुआ था, और पुराने घोटाला को पर्दा डालने के लिए वहीं पर पुनः बहाल किया गया। रेंजर बानेश्वर कौन थे? DFO का नाम क्या? DFO अवधेश कुमार ओझा हैं और रेंजर जो हैं वो बानेश्वर पाठक थे। दोनों की मिली भगत से सारा का सारा खेला हो रहा है, घोटाला किया जा रहा है। प्रधान सचिव भी उसी गांव के? हाँ, प्रधान सचिव जो हैं अभी प्रधान मुख्य वन सचिव कौवा कुल के हैं, दीपक सिंह नाम है, वो उनका पैतृक घर कौवा कुल हुआ छवैल, और ये अभी वर्तमान में पटना के। उनका भी साठगांठ है इस DFO के साथ?
वो पता चला है कि उन्हीं के थ्रू जो है रेंजर बानेश्वर पाठक की बहाली हुई संविधान। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम कौपुर के रहने वाले हैं सर, नवादा जिला। जब आपने RTI की शुरुआत की तो उस समय कुछ और भी धमकियां भरा मैसेज या फोन या डायरेक्टली कुछ बोला गया? नहीं, RTI हम मांगे तो रेंजर बानेश्वर पाठक के द्वारा मुझे बुलाया गया और वहां पर बोला गया कि आप RTI मांगना छोड़ दो, नहीं तो तुमको हम बर्बाद कर देंगे, इतना केस कर देंगे कि तुम। और वही हुआ आज। कितना केस हो चुका है अभी तक? हम पता किए हैं 6 केस हुआ। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और DFO और बानेश्वर पाठक के ऊपर कार्रवाई हो। किसी से विशेष जांच कराने की मांग? जो निष्पक्ष जांच करे वरीय पदाधिकारी। साफ तौर पर आपने सुना, एक ऐसा बिहार का व्यक्ति जो गरीब तबके से आता है, अगर किसी ने आवाज़ उठाई इस सिस्टम के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ, तो लगातार जो सरकार के कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो इन पर काउंटर केस करते हैं। RTI का जवाब तो नहीं देते हैं, मगर काउंटर केस का जो सिलसिला होता है वो लगातार जारी हो जाता है। न्यूज़ फॉर इंडिया ऐसे तमाम पदाधिकारियों को अभी से कह देता है कि वो हो जाए अलर्ट, क्योंकि हमारा जो टीम है वो पहुँचने वाला जल्द आपके पास। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ शशि यादव, न्यूज़ फॉर इंडिया, पटना।